हेलो जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल संगीता कछावा। सो काफी दिन से लोग वेट कर रहे थे मेरे ब्लॉग का। सो ये सेटअप देख के आप समझ गए होंगे किस चीज का ब्लॉग है। सब लोग हमेशा बोलते रहते हैं लाइक आपके वार्डरोब कैसे डिजाइन करके रखते हो, आप कैसे सेटअप करते हो, ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, क्या क्या यूज करते हो, वो सब बताओ। सो आई एम गोइंग टू शो यू टूडे कैसा है, जरूर बताना, कमेंट्स में जरूर बोलना और मैं कुछ वेरिएशंस ला सकती हूँ या फिर आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी। सी पूरा बताती हूँ, ऐसे एंगल में दिखेगा नहीं, सो मैं बैक कैम से बताती हूँ आपको। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू। सो देखो अभी मैं पलंग पे चढ़ के आपको बता रही हूँ व्लॉग बनाने के लिए। ये जो मेरा ऊपर का पोर्शन है यहाँ पे मैं पूरे मेरे ज्वेलरीज और रखती हूँ। जो कम चीज़ यूज होती है वो हमेशा आप ऊपर साइड रख सकते हो, जैसे मैंने रखा। ऐसे मुझे नीचे से खड़े होके हाथ भी आ जाता है जो भी होना है। सो यहाँ पे कैसा क्या है मैं आपको बताती हूँ। सो ये मेरे ऑर्गेनाइजिंग बॉक्सेस है, ये सब खुल के दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा हो जाता है, इयर रिंग्स, वॉचेस और वो सब ज्वेलरी के, नेल पॉलिश के। एंड दिस इज़ माय मेकअप किट जिसमें मैं मेरा पूरा मेकअप रखती हूँ और इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आइटम्स, इयर रिंग बॉक्सेस है, हेवी रिंग्स। एक हाथ से एक बनाना करना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरा पिन बॉक्स है जिसमें मैं मेरे पिन्स ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये बैंगल बॉक्स है, ये बैंगल बॉक्स एक्चुअली में शादी का है। इसमें मैं शादी का जोड़ा वगैरह, मतलब जो चूड़ा था ना जो स्टेज पे पहने थे और मामा चूड़ा, वो इसमें रखती हूँ मैं संभाल के, मुझे बहुत पसंद है जैसे आप सबको पता होगा। और इसमें ब्रेसलेट्स वगैरह है, इसका ब्लॉग भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। इस बस इसी शेल्फ का कि कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना, वो व्लॉग होना या नको मुझे आप जरूर बोल। कैसे कैसे कैमरा सेट कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंगल वाइड वाइड जो भी आए आप समझ जाना। सो ये जो साड़ीज है ये मेरी डेली यूज की नहीं है, लाइक कुछ ओकेशन वगैरह होता है या हमको जिस दिन बाहर जाना रहता है मार्केट या फिर घर पर कोई रिलेटिव आने वाले रहते हैं, वो साड़ीज मैं यहाँ पे हैंग करती हूँ। और एक और ये वाला कबर्ड है उसमें मैं मेरा डेली यूज़ का लगाती हूँ। लाइक डेली यूज़ के लिए आप 10 साड़ीज निकाल के रखो काफ़ी है, पूरी साड़ीज वेस्ट नको करो घर में निकाल के। सो साड़ीज तो आप लगभग सभी देख चुके होंगे और इनमें से आपकी फेवरेट साड़ी कौन सी है वो भी ज़रूर बताना। और इनके ब्लाउज डिज़ाइंस भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, सो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये जो साड़ीज है ये थोड़ी हैवी वाली है, मतलब हैवी ये नहीं है, पूजा पाठ वाली साड़ी से जो मैं ऊपर रखती हूँ, बताती हूँ आपको। देखो लाइक ये जो पूजा पाठ वगैरह में यूज़ होती है ना साड़ीज, जो ज़्यादा हैवी ना हो बट हैवी में ही काउंट होती है। ये साड़ी मैंने अभी तक पहनी नहीं है सो आई विल नॉट रिवील इट, लाड़ू के बर्थडे की। ऐसे ही वो साड़ीज यहाँ रखती हूँ, उससे ज़्यादा हैवी साड़ीज लाइक ऐसे वर्क वाली होती है ना वो यहाँ पे। बाकी पेटीकोट्स वगैरह मैं यहाँ नीचे लगा लेती हूँ, पहले मैं यहाँ लगाती थी फिर किसी ने मुझे कहा कि यहाँ लक्ष्मी वगैरह होती है तो आप नीचे लगाओ पेटीकोट वगैरह, सो मैं नीचे यूज़ करती हूँ। और ये वाला है इसमें मैं मेरे एक्स्ट्रा प्लाजोस रखती हूँ या नाइट वेयर, और यहाँ पे मेरे स्ट्रेटनर वगैरह पहले मैं जो स्ट्रेटनर वगैरह थे वो पहले मैं यहाँ ऊपर रखती थी। मैं मेरा कवर चेंज करते ही रहती हूँ जब जैसे कुछ समझ में आए वैसे, आप भी चेंज करते रहना अकॉर्डिंग टू वास्तु, हम हमारी चीज़ें चेंज करते रहे उतना ही अच्छा होता है। सो स्ट्रेटनर वगैरह पहले मैं उनके बॉक्सेस में रखती थी, आजकल ऐसा बोलते हैं कि फर्नीचर में वो उदय वाला कीड़ा आ जाता है, तो मैं ऐसे प्लास्टिक के है देखो ये वाले ऐसे ट्रेस लेके आई फिर उसमें पूरे डाल दी लाइक स्ट्रेटनर्स कलर्स जो भी है वो पूरे नीचे, जो हमको ज़्यादा ज़रूरत हो वो मैं यहाँ लगा लेती हूँ। जो साड़ीज वगैरह बैंगल्स का देखना चाहोगे कम ऑन लेट्स सी। सो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा, इसमें मेरे इनोवेस है जो कि मैं ऐसे स्टोर करके रखती हूँ, ऐसे ही बाहर ना रखो, ऐसे रखने से लुक भी अच्छा आ जाता है। ये शायद मुझे लेके 4-5 साल हो रहे, एक बार कुछ राखी का सेल था उसमें से ली थी मैं। सो अच्छे भी लगते हैं, ऐसे बुरा नहीं लगता, कबर्ड किसके भी सामने खोल सकते हो आप ऐसे वाला लुक है। सो लेट मी शो यू वन थिंग, याद आया साड़ीज निकालनी पड़ेगी भैया,
कैन यू सी इट? यहाँ पे ऐसा खाली स्पेस रख लेती हूँ, जब भी कुछ पूजा पाठ फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे यहाँ निकाल के रख सकते हैं हम। शाम को जो पूजा है पहले यहाँ निकाल के रख लो, तो शाम को पूजा के टाइम फटाफट से लेके पहन सकते हैं सब कुछ, तब का तब निकालना नहीं पड़ता। ऐसा स्पेस रहना अच्छा भी लगता है मुझे तो। सो ये बैंगल बॉक्स, ये मेरा टूट गया झुमका, इसको कैसे रिपेयर करूँ समझ में नहीं आ रहा। आपके पास कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताना। इसको रिपेयर करना है इसलिए इसको यहाँ पे रखी मैं। ये मेरे 4 बैंगल बॉक्सेस है, बताती हूँ किस में क्या रखा है मैंने। ये मैं छोटा सा मिरर, जब मैं रेडी होती हूँ तब कभी कभी खड़े होना बोर मारता है तो। और यहाँ पे लाडो का स्पोर्ट्स ड्रेस है, जो कि मेरा रूम छोटा सा है यू कैन सी, तो इतना स्पेस नहीं है तो कहीं कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ। इसका स्पोर्ट्स ड्रेस कभी कभी यूज़ होता है। सो लेट मी शो यू। सो ये मेरा बैंगल कलेक्शन बॉक्स है, यहाँ ऊपर भी एक है जो मैंने बताया था, और एक कोलैब का वो जो चूड़ा आया हुआ है, 2 चूड़े वो वहाँ पे है। सो फर्स्ट इससे बताती हूँ, ये मैं शादी हुई तब लेके आई थी, बेचारे की हालत बहुत बुरी हो गई, बट छोड़ेंगे नहीं इसको जल्दी से। तो इसमें ये पूरे लाख के रख लेती हूँ मैं। लाख के बैंगल्स आप कभी भी एक ही जगह रखो, तो कभी कोई ओकेशन रहा तो जल्दी से मिल जाता है आपको क्या क्या पहनना है। सुंदर दिख रही ना बैंगल्स, ये मुझे इन्होंने करवा चौथ पे, ये अच्छा है बैंगल्स यहाँ पे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ इनको, डेली उसके मिल रहे नहीं थे। सो ये मेरे पूरे लाख के बैंगल्स है। लाख के बैंगल्स बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कभी कभी वेयर करना। सो इस बैग में, इस बॉक्स में तो लाख के बैंगल्स हैं। और ये मेरी दादी का फोटो पेपर में आया था तो मैंने रख लिया कर। सो ये जो बॉक्स है, जैसी क्वालिटी मुझे होनी थी वैसी मिली तो नहीं इस बॉक्स में। एक्चुअली भाभी के पास है ऐसा वाला, तो मुझे भी सेम टू सेम होना था, मिला नहीं। बट कोई नहीं, जो मिला उसमें जस्ट ना मुझे अच्छा लगता है ऐसा, खिड़की के बाहर से जो भी बैंगल्स दिख जाते हैं अच्छा होता है। सो इस बॉक्स में मैं पूरे मेरे बैंगल पाटले बोलते हैं ना, जो टुई होते हैं वो रखती हूँ, पूरा कलेक्शन एक ही जगह लगा लेती हूँ। जो मतलब पाटले का कलेक्शन एक जगह, वो लाख की चूड़ी का एक जगह पे से। इसमें ये मेरे संगीत का है बैंगल्स, बोर तो नहीं हो रहूँगा आपको देख देख के, मैं मेरे शेयर कर रही हूँ बस। अपना चेहरा भी थोड़ा दिखा लेती हूँ। सो इसमें ऐसा कलेक्शन है, ये भी मेरे शादी के टाइम के, ये शायद यहाँ घर से डाले थे, थोड़े थोड़े बैंगल्स है इसमें, थोड़े चले गए। ये वाले देखो सुंदर है ना, आप हर कलेक्शन रख सकते हो। मैं तो बहुत बार मालूम जो कलर मेरे पास होता नहीं वो एक पेपर में लिख के रख लेती हूँ, ताकि मार्केट गए तब वो कलर के बैंगल्स ला के रख लूँ। जब साड़ी पहनना होता है तब मिलता नहीं, मोस्टली मैं भाभी से ले लेती हूँ। घर में बहनें देरानी जेठानी रहते, एक फ़ायदा होता है मैं उनसे ले लेती हूँ, अगर मैच ना हो तो वो भी शेयर कर लेते हैं, मैं भी शेयर कर लेती हूँ। मोस्टली आप ऐसे एक पेपर में लिख के रख सकते हो कि आपको कौन से कलर के बैंगल्स होना। और आपने ए वाला बॉक्स मुझे सबसे सही लगा, सस्ता भी है, रीजनेबल भी है, टिकाऊ भी है, इन दोनों बॉक्सेस से तो सस्ता है। और इसमें बैंगल्स भी बहुत आती, जैसे बोलते हैं ना सस्ती चीज़ अच्छी चलती है, अच्छे होते हैं। ये बैंगल्स तो मुझे कोलैब में रिसीव हुए थे, इंस्टाग्राम पे आप चेकआउट कर सकते हो, बैंगल्स काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ज़िगज़ैग में भी है और ऑल ओवर सब कलर्स हैं। सो ऐसे बैंगल्स मैं इस बॉक्स में रख लेती हूँ। मतलब आप कभी भी जो भी ऑर्गेनाइज करो ऐसा करो कि जो आप देखते कि आपको समझ में आ जाए कब कहाँ क्या मिलने वाला है। और ये जो बीच की चूड़ियाँ होती है, या फिर ऐसे साइड में क्या बोलते हैं इनको, कुंदन कड़े जो पहनते हैं ना, साइड बैंगल्स भूल गई मैं उनको क्या बोलते हैं कि। सो ये पूरे मैं एक ही जगह रख लेती हूँ, चूड़ियाँ चनचन चूड़ियाँ। सो ये पूरे मैं एक बॉक्स में रख लेती हूँ, आपको लगता है ना एक और बॉक्स की भी। सो ऐसे मैं मेरे बैंगल्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, डिटेल में भी बता दी मैं आपको। और ऐसे बॉक्सेस रख सकते हो, काफ़ी यूजफुल है, और ऐसे रखना भी सही लगता है मुझे, स्पेस भी ऐसे, लाइन कितनी भी बड़ी लाइन बना, ज़्यादा नहीं बना सकते, सैरीज है। सो ये सैरीज डिन 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 डिन, और भी आने चाहिए ना, बोलना पड़ेगा कोलैब वालों को। सो और ये जो 2 ड्रॉस है, इसमें तो
नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी और वगैरह रखी हुई है। और इसमें मेरे ऐसे पर्सेस रख लेती हूँ, ये पूरा ख़राब हो गया बेचारा, पूरे फ्लावर्स निकल गए। मैंने पूछा भी था इसको कैसे रिपेयर करूँ, कोई बता सके तो। सो ये मेरे स्लिंग्स वगैरह है जो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ डेली यूज़ के, पार्टी वेयर के सब स्लिंग्स में तो यही रख लेती हूँ। होना तो आप ऐसे कवर्स में भी रख सकते हो, या फिर नहीं ये पोटली बैग रेड कलर के, ड्रॉ काफ़ी बड़ा है तो पूरे। और यहाँ का तो ये सारीज़ वगैरह आपको पता ही होंगे, मैंने अभी कहा था हैवी वेयर सारीज़ रख लेती हूँ। यहाँ पेटीकोट्स जो डेली यूज़ होते हैं वो रखती हूँ, इनके पीछे वो जो कम यूज़ होते हैं शादी में वैसे लगा रहे। तो जो भी करो आप ऑर्गेनाइज इस तरीके से करो कि देखने में भी अच्छा लगे और आपको यूज़फुल भी हो। और नीचे का पोर्शन तो ऐसा है ही। सो इससे भी जो हैवी सारीज़ है जो शादी वाली है वो सब मैं पलंग में रखती हूँ। पलंग में मेरे शादी के जो दो सूटकेस थे वो दोनों सूटकेस में वो लहंगे, लहंगा नहीं भरी एक रखती हूँ उसके अंदर, और इनके ड्रेसेस वगैरह एक सूटकेस में रखती हूँ, और एक और जो मेरा छोटा सूटकेस है उसमें पूरे सारीज़ रख देती हूँ। जो भी मतलब बहुत हैवी सारीज़ है जो पहन नहीं सकते, कभी कभी पहनती हूँ, लाइक साल में एक बार या दो साल में एक बार। बहुत सी सारीज़ तो ऐसी है जो मैंने शादी में पहनी होंगी वापस पहनी भी नहीं होंगी, उतने हैवी है, और अब वो ब्लाउजेस भी नहीं आते मुझे, ये वाली हालत हो गया। वो सारीज़ का करूँ क्या कुछ समझ में नहीं आता है। सो वो सारीज़ मैं सिर्फ पलंग में रख देती हूँ, पलंग में भी स्टोरेज है। पलंग का होना तो उसका भी बता देती हूँ मैं कैसे रखती हूँ। और लहंगे वगैरह, एक बार मुझे बैग्स रिसीव हुए थे आपको पता है दिवाली पे, बड़े बड़े, अभी मैं पलंग उठा नहीं सकती इतना वज़न है नहीं। नेक्स्ट टाइम पलंग का बनाऊँगी जब बताऊँगी उसमें रखती हूँ, वो जो स्टैंड वाले आते। सो ये ब्लॉग हो गया, ये पूरा मैं कैसे सेटअप करके रखती हूँ। सो आपको डेली उसके सारीज़ पे बता देती हूँ कैसे। ये डेली उसके सारीज़ है जो कि मैं बोली ना 10-12 ही रखती हूँ। ये हैंगर्स थोड़े ऊपर नीचे है तो ऐसे दिख रहे हैं, और ये इनके टी शर्ट्स वगैरह, बाकी जो भी स्टोरेज वगैरह है। यहाँ लाडो का रख लेती हूँ मैं, यू कैन सी लाड़ू का ये बॉक्स, ये आपने देखा होगा, ये मुझे कोलैब में रिसीव हुए थे इंस्टाग्राम से, तो इसमें मैं रख लेती हूँ। ऐसे में काफ़ी लाड़ू के भी, लाड़ू का कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ वो भी बताती हूँ आपको, देखो। सो लेट्स टच, ये इनके न्यू वाले, ये डेली यूज वाले। देखो आप बोलोगे दीदी खुद तो दो दो कबर्ड्स लेके बैठे हैं, जीजू को बस दो ही शेल्फ्स थे, अब मैं क्या करूँ, उनके दो शेल्फ्स में ही आ जाते हैं। सो ये लाड़ों का है जो डेली यूज़ के है, उसके टी शर्ट्स वगैरह एक साइड, फ्रॉक्स वगैरह पैंट्स वगैरह एक साइड रख लेती हूँ। और ऐसे बास्केट्स ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए जिसमें शॉर्ट्स भी आ जाए, और उसके शॉर्ट्स कर्चीफ्स, दोनों में शॉर्ट्स है शायद अलग अलग है। सो ये सॉक्स के वगैरह प्लेस है, यहाँ हम लोग उड़न के रख लेते हैं जो हम लोग ओढ़ते हैं। सो ये मेरे मिरर के पीछे का है, अच्छा लगा ना। एक्चुअली मैंने सोचा था यहाँ मैं भी मेरा डेली यूज़ का सेटअप कर लेती, बट स्पेस नहीं हो रहा है, छोटा सा रूम है। सो यहाँ पे ऐसा ये पूरे ऑर्गेनाइज करने का प्लेस है। सो इसीलिए भाभी के तो क्या ऐसा थोड़ा बड़ा है ऐसा, तो उनके वो डेली यूज़ के और बेडशीट्स वगैरह भी आ जाते तो काफ़ी स्पेस हो जाए। मेरा छोटा है तो उस हिसाब से मैंने ऐसा ऑर्गेनाइज कर लिया, और इस वाले में मैंने मेरे डेली यूज़ का रख लिया है। कैसे लगा दैट फ्रेम, सी दिस इज माय रूम, छोटा सा बता देती हूँ आपको। आज तो लॉटरी है भाई, बिना पूछे सब बता रही हो। और देखो फ्रेम्स कैसे लगा दिए आपके जीजू ऊपर उल्टे सुलटे। लाडो ये वाले प्री वेडिंग वाले देख के बोलती रहती है मुझे क्यों नहीं लेके गए इस टाइम फोटोशूट में। ये हम बुड्ढा बुड्ढी हो गए तब, मैं और आपके जीजू। सो आई एम एंडिंग माई व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना, कुछ भूल गई तो बताने के लिए वो बोल देना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में हासिल कर दूंगी उसमें क्या। सो इस वाले पोर्शन का तो ये डिटेल में रहेगा, आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करो, मैं ज़रूर इसका भी व्लॉग बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डेट सारा प्यार आप सबके लिए, इतना प्यार दिखाते हो, मैं व्लॉग्स कैसे भी बनाऊँ आप मुझे ज़रूर लाइक और कमेंट करते हो, थैंक यू, दिल से शुक्रिया उस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। Bye, keep watching my channel.